वहीं खबर किशनगंज से, जहां ठाकुरगंज प्रखंड के तातपौवा ग्राम पंचायत सरकार भवन में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत तातपौवा ग्राम पंचायत सरकार भवन में मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद रसमुद्दीन की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ठाकुरगंज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य पंचायत के लोग भी मौजूद रहे, जिस दौरान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ठाकुरगंज इंचार्ज सुमित कुमार, सुखानी थानाध्यक्ष रामलाल भारती, कनीय अभियंता पौवाखाली अभय कुमार रंजन सहित सभी अधिकारीगण बारी बारी से मौजूद सभी को जनसंवाद के बारे में अपने अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े योजनाओं और उनके लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया। जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी ठाकुरगंज सुमित कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ठाकुरगंज अनिल कुमार मंडल, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ठाकुरगंज अजीत कुमार, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ठाकुरगंज एवं सभी सेक्टर के पदाधिकारी मौजूद थे। एमके न्यूज इंडिया के लिए किशनगंज से शबनम खान की रिपोर्ट। शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इतनी गंभीरता से सारे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की बातों को सुना और योजनाओं के बारे में जानकारी ली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आप लोग इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, ज्ञान भी शेरनी का दूध है। जो पिएगा, जो इसको चखेगा, वही दहाड़ेगा। तो आप योजनाओं के बारे में जानेंगे तो योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी तरीके से होगा। कुछ सुझाव भी आए, मैंने सभी सुझावों को नोट किया है, हमारे जेहन में है, प्रोसीडिंग में हमारे प्रखंड के बड़ा बाबू से नोट भी कर रहे हैं। सभी को हम लोग लिखेंगे प्रोसीडिंग में और उच्च अधिकारियों के पास उचित कार्रवाई के लिए भेजेंगे। सरकार की यही इच्छा है, राज्य सरकार की यही इच्छा है कि हम जो योजनाएं चला रहे हैं, जिन योजनाओं को हमारे विभागों के द्वारा चलाया जा रहा है, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, आम जनता अधिकाधिक लाभ उठाएं। मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हुआ आपका ही मौजूदा मेंबर साहब बोल रहे हैं कि कोई भी काम होता है हम लोग को कुछ नहीं पता, हम लोग ऐसे ही ठीक है और दो चार महीना देखते हैं, ऐसे ही हालत रहा तो हम इस्तीफा दे देंगे। देखिए अभी जैसे पहले होता था कि ब्लॉक से जो है ना चिट्ठी आया करता था, तो चार दिन पहले आता था। अब जब से व्हाट्सएप के माध्यम से कोई सूचना मिलने लगा है तो इमीडिएटली जब होता है उससे एक दो घंटा बिफोर मिल जाता है। अब सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, मोबाइल का तो इस्तेमाल करना चाहिए। अब किसी को प्रश्न नहीं इंडिकेट करके नहीं भेजा जाता है। उनका वक्तव्य से ये जाहिर हुआ कहीं ना कहीं मुखिया जी मनमानी कर रहे हैं। देखिए अब उनका भी ये समझ होगा, उनका ये समझ है। नहीं नहीं तो खासतौर जैसे पंचायत का प्रोग्राम तो मैंने छुप के नहीं किया जाता है। पंचायत में कार्य होता है, कोई मेरा छुपा के काम नहीं होता है। और दूसरी बात आपसे हम एक बात कहेंगे कि ये बिहार सरकार जब मैंने खंडित कर दिया मुखिया को अलग और मेंबर को अलग, जब 7-2 कर दिया तभी से यह मामला आया। नहीं तो उससे पहले मुखिया मेंबर मिलके ही काम करता था। और जब मुखिया को कोई चीज़ आवंटन मिलता है तो मेंबर को भी मिलना चाहिए। ये तो मेंबरों के साथ मतलब ये क्या है, अन्याय किया है, ये न्याय नहीं है। न्याय के साथ जो विकास है इसका ये उल्लंघन हुआ है। 33,000 लाइन पौवाखाली से ठाकुरगंज को जाएगी, जो कार्य प्रारंभ हो चुकी है और लाइन बन भी रही है। इस योजना में कृषि के लिए भी लाभ है, जैसे एग्रीकल्चर कनेक्शन वो ले रखे हैं और घरेलू ट्रांसफार्मर उनका सप्लाई जा रहा है खेत का पटवन के लिए। तो RDSS के योजना से ही वहाँ पे अलग से 25 KVA का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा, जिससे किसान को सहूलियत होगा, नज़दीक में सप्लाई जाएगा, खेत को पटवन करेंगे। और RDSS योजना जो है केंद्र सरकार का योजना है, इसी पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं और 28 महीने का ये योजना है। 28 महीने में लगभग पूरा किशनगंज जहाँ जहाँ भी समस्या होगी वो हर जगह पे उसका समाधान निकल जाएगा। और इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करूँ। साई हॉस्पिटल
हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। पहले नंबर लगाने पर ऑपरेशन फी में विशेष छूट भी दी जाएगी। पता नोट कीजिए, साईं हॉस्पिटल चुन्नी मोड़ छातापुर सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641।